हेलो विवान, तो आज हम एयर साइन जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि की रीडिंग करते हैं जुलाई 2024 के लिए। तो जेमिनाई 2024 जुलाई कैसा होने वाला है आपके लिए, क्या कुछ मिलने वाला है वो सब आज बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपके रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये जो जुलाई है बहुत ही खास होने वाला है। एंड आज हम आपको रीडिंग के बीच में आपके लिए लकी कलर, लकी नंबर, लकी डे और आपके पार्टनर सोलमेट्स क्या हो सकते, कैसे हो सकते हैं, किनके साथ आपकी जोड़ी जम सकती है और लकी अल्फाबेट भी बताएंगे आपके लिए रीडिंग के बीच में, तो ध्यान से देखिएगा। सो पहले टैरोट से लेते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई आपके लिए, और उसके बाद हम बाकी डेक से भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस मिल सकती है आपको, अगर कुछ निगेटिव आता है तो क्या गाइडेंस मिल सकती है वो भी देखेंगे। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि ये जेन्युइन रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट न करे दूसरे के लिए छोड़ दें। सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है और आप न्यू और टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आप चेक कीजिएगा, वहाँ नए नए टॉपिक पे ही रीडिंग होती है। सो लेट्स बिगिन विद टैरोट कार्ड, दो कार्ड शुरू में ही आ गए हैं, लेट्स सी। फाइव ऑफ हैंड है एंड एस ऑफ कप्स है। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स। मिथुन राशि के लिए कैसा होगा जुलाई 2020? तो यहाँ पे आपको जो कार्ड है वो काफी कॉन्ट्रास्ट में आए हैं, दो कार्ड शफल ज्यादा करना नहीं पड़ा मुझे, दो तीन बार मैंने शफल किया है और वहां चार कार्ड आ गए हैं जुलाई के लिए, तो बहुत ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार कार्ड हैं आपके लिए जुलाई मंथ में टैरोट से। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जितने लोग भी हैं किसी न किसी वजह से किसी उलझन में है इस समय, और क्योंकि हाँ पहला कार्ड है आपका फाइव ऑफ वैंड, किसी उलझन को दिखा रहा है, आपके मन में कुछ ना कुछ उलझन है, कुछ ना कुछ पशुपेश में है आप, कुछ ऐसा क्लैश की मुझे वाइब आ रही है, किसी के साथ कुछ क्लैश हुआ, लड़ाई हुई, ये आपके किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ, घर में, या आपके किसी एनिमी के साथ मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ ना कुछ क्लैश हुआ है और ये कंटिन्यू है, ये जो हुआ जो भी हुआ उलझन और जो क्लैश वॉर्स जो भी हुए वो कंटिन्यू है। जुलाई के फर्स्ट वीक में ये चीज थोड़ी कंटिन्यू रहेगी, उलझने आपकी कंटिन्यू रहेगी शुरुआत में कॉन्फ्लिक्ट, किसी के साथ टकराव हो सकता है जिसको आपको टालना पड़ेगा। अगर अभी तक आप बिल्कुल भी नॉर्मल रह रहे हैं, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं, कुछ ऐसी निगेटिव बात हुई नहीं, तो आपको एक हफ्ता जुलाई का शांतिपूर्वक निकालना होगा, टकराव से दूर रहें, वॉर से, टेंशन से, कंपटीशन, ओवर कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे रहें, कंपटीशन के करने से कुछ होने वाला नहीं, किसी के साथ बात भी बात से करने से भी आपको बचना होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में थोड़े से यहाँ पे किसी के साथ बाताबाती या आर्गुमेंट जिसको कहते हैं हो सकता है, क्लैश ऑफ ईगोज हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के साथ ही आपका ईगो प्रॉब्लम हो सकता है, और राइवलरी जो है आपकी वहां से भी कंटिन्यूअस हो सकता है और एग्रेशन आपका बढ़ सकता है। फर्स्ट वीक बहुत ही शांतिपूर्वक आपको बितानी होगी क्योंकि संघर्ष उलझन तो है ही फर्स्ट वीक में, और मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपको कोई भी निगेटिव चीज निकल के आती है जुलाई मंथ में उसके लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा अपने इंट्यूशन से। तो किसी भी क्लैश को टालिए, टकराव की स्थिति नहीं बनने दीजिए, जहां किसी से बातचीत से या किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ अगर आपकी उलझन है वहां आप टकराव की स्थिति बन रही है तो वहां बिल्कुल शांति के साथ आप निकल जाइए या शांति के साथ आप थोड़े चुप हो जाइए, इससे ईगो क्लैश नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखिए एक कार्ड के कई साइड्स होते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप किसी कंपटीशन में करियर वाइज किसी कंपटीशन में एग्जाम दे रहे हैं, काफी सारे लोग हैं वहां पे, तो वहां अच्छी संभावनाएं हैं आपकी निकलने की, क्योंकि फाइव यहाँ है एनर्जी, फाइव चेंज की एनर्जी होती है, तो ये स्थिति बदलेगी, डेफिनेटली ये स्थिति बदल जाएगी, सेकेंड वीक आते आते स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बदलाव आ जाएगा क्योंकि फाइव की एनर्जी है।
तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी आपके साथ, बस आपको शांतिपूर्वक रहना है फर्स्ट वीक में। एंड अगर आपका करियर स्पोर्ट्स में है या डिफेंस में है तो वहाँ भी आपको अच्छी कंपटीशन मिल सकती है और आप बिल्कुल भी वहाँ संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, कंपटीशन करेंगे, ये सब करियर वाइज में तो चलता ही है, तो वहाँ घबराने की बात नहीं, वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और आपकी जो क्लैश वाली, जो मुझे लग रहा है टकराव वाली स्थिति किसी के साथ है या चल रही है, वो चीज धीरे 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 खत्म हो जाएगी। एस ऑफ कप्स मिट आते आते तक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संभावनाएं हैं आपके लव लाइफ में, किसी का प्यार आपको हासिल हो सकता है। अगर आप सिंगल्स हैं और चाहते हैं कि प्यार आपके लाइफ में आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी संभावना बन रही है कि कोई प्यार भरा तोहफा देगा आपको, ये प्यार भरा आपको कमिटमेंट देगा, कोई प्रपोजल भी दे सकता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। न्यू रिलेशनशिप्स की चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हैं और एक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भरपूर प्यार लेके कोई ना कोई रिलेशनशिप शुरू होगी और नया शुरुआत मुझे लग रहा है रोमांस में होने वाला है आपका। तो मिथुन राशि के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो लोग सिंगल हैं वहाँ अच्छी वाइब आ रही है, लव के एंगल से हैप्पीनेस जॉय भी आएगा। हो सकता है आप घूमने भी जाएं या प्लान करें अपने दोस्तों के साथ, लेकिन रिलेशनशिप की मुझे ज्यादा वाइब आ रही है यहाँ पे। अगर आप फार्मिंग डिपार्टमेंट में हैं, अगर आपका करियर फार्मिंग में है, तो वहाँ पे आपको अच्छी उपज होगी, अच्छा बिजनेस ग्रो करेगा और आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है या आपकी खुद की घर में कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। कोई महिला है, अगर रीडिंग देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कंसीव कर सकती हैं, आपके घर में कोई कंसीव कर सकता है जिससे सेलिब्रेशन आएगा। सोशलाइजिंग भी करेंगे आप, सामाजिक स्थिति आपकी सुधरेगी, पहले से बेटर होगी। और नया फीलिंग्स, किसी के लिए नया फीलिंग्स जाग सकता है आपका, कोई क्रश बन सकता है आपका। जहां किसी के लिए कोई प्यार लेके आ रहा है, तो आप में से कुछ लोग का कोई क्रश भी बन सकता है, किसी के साथ आपका लगाव भी हो सकता है, जो आप बिल्कुल नया फीलिंग जाग सकता है। तो दोनों की तरह की स्थिति यहाँ बन रही है, कोई प्यार लेके आपको प्रपोजल करेगा देगा या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। आपकी इमोशनल अवेकनिंग भी होगी, आप जो अभी तक बिल्कुल सख्त थे, कोई वो अपनी इमोशनल चीजें जिससे प्यार करते हैं आप उसको दिखाना पसंद करेंगे। स्पिरिचुअल भी बनी है, क्योंकि जुलाई बहुत ही स्पिरिचुअलिटी का महीना है, तो मुझे लगता है कि आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। और काफ़ी सारी संभावनाएं हैं कि एक नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। अपनी इंट्यूशन से लोगों को पहचानिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी इंट्यूशन से लोगों को पहचानना पड़ेगा आपको। और ट्विन फ्लेम की वाइब भी मुझे आ रही है यहाँ, कार्मिक, मुझे ये मिक्सअप लग रहा है, ये जो कंट्रास्ट से भरा मिथुन राशि के लिए है, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब भी आ रही है। आप किसी ट्विन फ्लेम में भी आप में से कोई पर्सन हो सकता है, जहाँ रिश्तों का अप डाउन या इन आउट चल रहा है। वो रिलेशनशिप मुझे लगता है कि फिर से आपके पास एक बार रीयूनियन के लिए आ सकती है, तो ऐसी भी संभावना मुझे लग रही है। एंड यहाँ पे है आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज है कि पहला कार्ड से ही क्लियर हो गया कि आपको शांत रहना बहुत जरूरी है जुलाई में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, अदरवाइज आपके साथ धोखा भी हो सकता है। प्यार के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अपने इंट्यूशन से आपको पहचानना होगा, ये मैंने पहले ही कह चुका हूं आपको कि अपने इंट्यूशन से पहचानना होगा। ये कार्ड फिर से मुझे कॉन्फ्लिक्ट की, डिसएग्रीमेंट की, कंपटीशन की वाइब दे रहा है। तो यहाँ आप वो चीज़ फिर से कंटिन्यू बार बार लूप होने की संभावनाएं बन रही है जुलाई में, बन रही है उस संभावनाएं। रह रहे कि आपको शॉक वेव्स आएंगे और रह रहे कि आपको आर्गुमेंट किसी से होने के चांसेस हैं, एग्रेशन हो सकता है, किसी किसी पे आप गुस्सा हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात है उस चीज को रोकना होगा आपको। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको मैंने यहाँ शुरू में एडवाइस दी थी कि अगर निगेटिव आता है तो मैं आपको उसका निदान बताऊंगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है शांत रहना, होगा। और मैच्योरिटी, सबसे बड़ी चीज़ मैच्योरिटी से आपको काम लेना होगा,
डिवाइन को सरेंडर आप कर देंगे, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड चेंज भी मुझे दर्शा रहा है आपकी लाइफ में चेंज आएगा। कोई लव भी आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, कोई अच्छा काम भी आने के चांसेस हैं। आपको बिल्कुल भी चीज़ों के से निकल जाना है, अगर कहीं भी आपको लगे कि नहीं यहाँ कुछ बातें आपके अनुसार नहीं हो रही, तो उस चीज़ों को आप टाल दीजिए, निकल जाइए और सेल्फ सेक्रीफाइस करने की कोशिश कीजिए जुलाई में। जिसके साथ भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ आपको स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि वो पर्सन आएगा और फिर से आपको अप्रोच करेगा और अपने लिए खड़ा होइए। विक्ट्री लिए है मुझे यहाँ दर्शाने, किसी चीज़ में विक्ट्री हो सकती है, कोई काम, बड़ा काम जो आपने शुरू किया था उसमें विक्ट्री होने के चांसेस हैं। फाइट बैक करेंगे आप, फाइटिंग बैक करेंगे, अगर कोई चीज़ आपके हाथ से निकल चुकी है तो आप बिल्कुल बाउंस बैक करेंगे और चैलेंजेस से ओवरकमिंग करेंगे। जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, जो भारीपन चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, जिसका कोई अभी तक आप निदान नहीं निकाल पाए थे, तो आप बिल्कुल ओवरकम कर जाएंगे चैलेंजेस से। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चीज़ बोलते हुए कि हाँ ठीक है, क्लैश है, थोड़ा एग्रेशन मुझे नज़र आ रहा है लोगों के साथ, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ 7 नंबर है, तो जुलाई 7वां महीना होता है, नंबर भी कार्ड का 7 है, तो यहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई आपके लिए बना है, मिथुन राशि के लिए, और सारी चीज़ों को आप ग्रैब कर लेंगे अपने, जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, अपने सारे टैक्टिक्स से आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये पर्सन ओवरकम कर रहा है कुछ चीज़ें, इसको बहुत प्यारी थी जिसको लेके ये पर्सन जा रहा है, और इससे बिल्कुल भी ये मुझे लगता है निगेटिव चीज़ बहुत मान के चलना नहीं है इस कार्ड को, क्योंकि ये एक विनर को दर्शा रहा है, इनडायरेक्टली ये विनर को दर्शा रहा है कार्ड आपके लिए, तो आप बिल्कुल ओवरकम करेंगे। नंबर्स के सिर्फ 2 कार्ड आए हैं, 5 एंड 7। 5 चेंज को दर्शाता है आपके लाइफ में, और 7 आपको एक विनर बनाता है, चैलेंज से ओवरकम करता है, और फाइटिंग बैक विक्ट्री को भी दर्शाता है, चेंज यहां भी है। एंड हम देखेंगे ये 4th और अंतिम कार्ड टैरोट से है, द एम्परर का। ये मंथ खत्म होते होते तक, जुलाई खत्म होते होते तक आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी काम से भी, प्रोफेशनल लाइफ में आर्थिक स्थिति भी बेटर होने वाली है आपकी। जो चीज़ें शुरुआत होगी जुलाई से, वो धीरे 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 करके बिल्कुल भी अपने अंजाम पे पहुंचेगी, और आप अपने आप को बिल्कुल भी एक कंप्लीट मैन या वीमेन फील कर पाएंगे, क्योंकि हाँ सिर्फ सिक्योरिटी की ही नहीं बल्कि कोई ना कोई अथॉरिटी की भी वाइब है, यानी कि कोई ना कोई आपको अथॉरिटी मिलने वाली है अपने लाइफ में। जुलाई आपके लिए पावर, मनी, सोशल लाइफ में रिवॉर्ड्स, सब चीज़ लेके आ रहा है। हो सकता है कि आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, और यहाँ आपके लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन भी आ सकता है, जो उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल सेपरेटेड हो, ऐसे परेशानी की संभावना है। अगर नहीं भी आएंगे तो कोई ना कोई मैच्योरिटी से आपकी लव लाइफ में फैसला होने वाला है। काम में भी पावर आपका बढ़ेगा, आपको प्रमोट किया जा सकता है कहीं ना कहीं जब हाँ आप काम करते होंगे, तो मुझे बहुत अच्छी वाइब यहाँ पे आ रही है द एम्परर की। और एम्परर जो कार्ड होता है वो बहुत मैच्योर कार्ड होता है टैरोट डेक का, और इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन अब जुलाई के जो आपकी साइन है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, उसके लिए मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुलनेस रहेगा और बिल्कुल स्टेबल, जुलाई के अंत आते तक बिल्कुल भी आप स्टेबल हो जाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक टैरोट से हमने देखा, और दो दो कार्ड हम अलग अलग डेक से लेंगे मिथुन राशि के लिए, कि आपको क्या कुछ मिल सकता है, क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस है एंजल के द्वारा जुलाई 2024 में। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपके लकी कलर जो है जुलाई में वो है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, एंड लकी नंबर है 5 एंड 6। और लकी डे बता देता हूँ, मंडे, वेनसडे, थर्सडे, और लकी अल्फाबेट्स है P K R T एंड जी।
तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, हो सके तो आप फिर रीडिंग शुरू करके सुन सकते हैं। और सोलमेट्स आपके या बॉस जिससे आपकी अच्छी बनेगी, या जो पर्सन जिससे आपको लव ऑफर मिलेगा या आप देंगे, या फ्रेंड्स भी हैं तो आपके लिए लिब्रा और एक्वेरियस अच्छे होंगे। और हो सकता है कि इस रीडिंग में एक आध और जोडियक साइन के पर्सन निकल के आए आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि लिब्रा और एक्वेरियस आपके लिए अच्छे सोलमेट भी हो सकते हैं, पार्टनर, बॉस, फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो इतना कुछ मैंने बताया, आप एंजल से देखते हैं कि क्या कुछ आपको मिल रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, पहले भी मैंने कहा कि अगर कोई क्लैश टकराव होता है तो आपको अब इंट्यूशन से काम लेके वहां से हट जाना है, सिंपली हट जाना है। इंट्यूशन से लोगों को पहचानिए, अपने प्यार को पहचानिए, एनिमीज यानी दुश्मनों को पहचानिए। अच्छा काम शुरू करना है या कैसे करना है, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ, वहां अपने इंट्यूशन से आपको चीजों को देखना होगा। एक कार्ड और लेते हैं कि जुलाई में क्या है आपके लिए। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। हेल्पिंग पीपल, देखिए आपको कुछ मददगार लोगों की जरूरत है और मददगार लोग आपकी हेल्प करने आएंगे भी। और आपको जो हेल्प चाहिए, आप अगर लगता है आपको कि आप कुछ काम अकेले नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ आपको कोई ग्रुप मिल सकता है, कोई पर्सन या फ्रेंड मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। कोई कलीग या कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है आपको जो आपको गाइडेंस देगा, आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है प्रोफेशनली ये पर्सन आपको हेल्प करे। तो हम आप देखेंगे कि अदर डेक से भी दो कार्ड लेंगे और ये फाइनल कार्ड्स होगा मिथुन राशि जुलाई 2024 के लिए। यहाँ पे क्या निकल गया था, लेट्स सी जुलाई में मिथुन राशि के लिए क्या है। पेंसिल्स कार्ड दीजिए। कैप्रिकॉर्न, कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन यानी कि लिब्रा एक्वेरियस तो आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं। आप किसी कैप्रिकॉर्न पर्सन से भी डील कर सकते हैं, हो सकता है किसी ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी कैप्रिकॉर्न पर्सन से डील कर सकते हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी चीजों से होकर गुजरे हैं आप अपने लाइफ में, तो जुलाई आपको एक मौका दे रहा है। आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका पे ऑफ का टाइम हो रहा है। तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ ये मंथ खत्म होते तक मिल जाए, तो रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। लेट्स सी वन मोर एंड लास्ट कार्ड फॉर जेमिनाई। नॉर्थ नोड का कार्ड आ गया है, यहाँ पे है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और उलझन में हैं, तो बिल्कुल भी आपको सैडनेस नहीं दिखाना है अपने लाइफ में, अपने लाइफ में दुखी नहीं होना है। और आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए बाहर, अच्छे लोगों से मिलिए, फ्रेंड्स बनाइए, सोशल लाइफ में गैदरिंग कीजिए, ग्रुप से जुड़िए, पूजा पाठ कीजिए, और आप जैसे हैं बिल्कुल उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है, जुलाई आपके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय है। योगा कीजिए, अपना मेक ओवर कीजिए, लोगों को दिखाइए कि आप क्या हैं, और आपको बिल्कुल भी बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, तभी कोई संबंध बन सकता है और काम भी अच्छा आ सकता है आपके पास। तो जुलाई मंथ की रीडिंग हो गई, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।